हाय व्यूअर्स, इट्स नेदर्थ अलेक्जेंडर एक बिल्कुल नई लुक के साथ, एक बिल्कुल नए शकल के साथ हम आपको वेलकम करते हैं टक टक बीसी किचन में। हम क्या नया करेंगे, हम नया ये करना चाह रहे हैं कि वो डिशेस जो आम फैम हमारे सामने ही वो सब कुछ है और वो डिशेस हम इस्तेमाल करते रहे हैं, आजकल के इस तेज़ दौर में वो डिशेस ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, उन रेसिपीज़ को हम आप तक लेके आएँ और साथ मज़े मज़े की बातें भी होंगी। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट भी होंगे। आज हमारे साथ इस शो में एक फिल्म स्टार हैं जिनका नाम है कायनात शाह, आप जानते हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और ये आज हम उनका एक नया रूप एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कुकिंग भी करती हैं, तो आज हम उनके साथ देखते हैं वो आज हमें क्या बना के खिलाते हैं। कायनात कैसी हैं आप? मैं सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप बताएं। फाइन। ये तो आज बिल्कुल एक नया रूप है, एक हीरोइन और फिर किचन, क्योंकि हीरोइंस तो अक्सर तुम्हें पता है वो आप किसी से भी पूछो तो वो कहते हैं कि जी हम तो किचन में जाते ही नहीं है, नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग हैं मेरे जो देखे हैं, पुरानी जो एक्ट्रेसेस थी, मेरा इतफाक रहा कि मैंने बहुत सारे लोगों के किचन्स मेरा गया, देखा, खाया जब हम बच्चे थे तो नैया सुल्ताना, फिर सबिया बेगम, नीलो बेगम, बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो खाने के खुद किचन में रहा, खुद खाना बनाना बच्चों के लिए। तो इट्स वेरी नाइस कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम किचन में। बात शौक की होती है ना, जिनको शौक होता है वो फिर कुकिंग करती रहती हैं और डिफरेंट डिफरेंट वो रेसिपीज वगैरह तैयार करती रहती हैं। डिफरेंट खाने का शौक है मुझे, हाँ खाना बनाने का भी शौक है लेकिन खाना खाने का ज्यादा शौक है। तो क्या खा रही? ग्रीन चिकन आज मैं बना रही हूँ। अच्छा ग्रीन चिकन। अच्छा ये सर्दियों की डिश है? ये सर्दियों की डिश है, गर्मियों में भी खाई जाती है मोस्टली लेकिन ज्यादा सर्दियों में खाई जाती है। इसकी रेसिपी क्या है, कैसे? ये रेसिपी अब ये मैं अब आपको साथ-साथ बताती रहूंगी ना। मैंने ये अदरक और इसका लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा है, ठीक है, और इसमें है टमाटर, सूखा धनिया और जीरा मैंने डाला है इसमें, और कुटी हुई मिर्च डाली है और नमक हसब ज़रूरत, ठीक है, और ये मैंने प्याज काट के रखा है और बाकी ये धनिया वगैरह, इसको इसकी मैंने बारीक कटिंग की है। बोनलेस चिकन है, इसके छोटे छोटे पीस डलते हैं इस डिश में। तो अभी बस बाकी ये ऑयल है, ऑयल को भी दिखा दें आप। तो थिंक ऐसे रखती है राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि कायनात इतना सारा धनिया है तो ये कड़वा नहीं कर देगा? नहीं नहीं, इसका पेस्ट बनेगा ना। अच्छा पेस्ट बनना है, इसका पेस्ट बनेगा। और सबसे पहले क्या करेंगे आप? ऑयल, शुरू से सबको ही पता होता है ना खाना। हाँ, और आप कितना ऑयल डालते हैं इसमें, कम से कम एक कप? पूरा सा आधा कप डालें, इतना तो वो तो फिर जीएसटी क्वांटिटी के हिसाब से चलता है ना। अच्छा अभी हम क्या क्वांटिटी बना रहे हैं? अभी चिकन जो है आधा किलो चिकन, ठीक है, आधा किलो चिकन में तीन गड़िया हरे धनिया की आधा किलो में, आधा तो अगर हम किलो में करेंगे तो छह हो जाएंगी, किलो में करेंगे छह हो जाएंगे, जिसका सारा पेस्ट ही इसका चिकन में ही बनता है, तो फिर वो इसका टेस्ट है ना, नाम है ग्रीन चिकन राइट, तो वो तो फिर अच्छा। ये अब आप इसमें प्याज डाल रहे हो? हाँ राइट। मसाला अच्छी तरह बनता है जिस तरह आम मसाला बनता है? नॉर्मल बनता है, आपका सारा डिपेंड करता है हरा धनिया पे, अगर हरा धनिया कम हो तो फिर वो तो फिर एक नॉर्मल एक चिकन हो जाएगा ना, फिर वो ग्रीन चिकन की वो नहीं आएगी इसमें, तो ये थोड़ा सा अच्छा इसको बनाना है। आपने पहले इसमें ऑयल डाला और जैसे रेगुलर प्याज लाल होते हैं, और ये कितने लाल करने? तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन बोलते हैं कलर होगा, तो उसके बाद फिर मैंने ये डाल देना है। ये डलेगा, ये तो हो रहा है। मुझे ये बताओ कायनात आज कल क्या मौसम फिर था?
आजकल मसरूफियात सर मेरी ये है कि मैं फिल्म में काम कर रही हूँ। मरजान फिल्म में उसमें काम कर रही हूँ। फिर तो आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपको पता है कि मैं लाहौर में थी। हाँ, और लाहौर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिल्म की कैसी रही शूट? सर एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, आप पूछ रही ना, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो बस अभी तो 40% फिल्म अभी रिकॉर्ड हुई है, अभी तो रहती है। और लाहौर में तो गर्मी होगी? नहीं, ये है कि वेदर अच्छा था। हाँ वेदर अच्छा था, गर्मी होती तो फिर मैं फिर वहाँ पे टिकती ना, क्योंकि वहाँ की गर्मी कहाँ पड़ता। क्या इस्लामाबाद के लोग तो जरा गर्मी से भागते हैं। ओ, अब मैं इसमें हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया, ठीक है, अब डालना है पेस्ट। मैंने बना के रखा, मुझे तो ये बिल्कुल वो रेगुलर मसाला जो हम बनाते हैं। चेक, ये ऐसा कुछ नया नहीं है, इजी है रेसिपी, से मुश्किल नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, ये धनिया वाला सर वैसे कभी नहीं। मैं कभी मेरी मम्मा ने मुझे फर्स्ट टाइम बना के खिलाया था रमजान ये। अच्छा, रोजों में तो वो बस। और ये डिश जो है ये गर्मी सर्दी खा सकते हैं? खा सकते हैं। इसमें जो मैंने पेस्ट मैंने ये बना के रखा है टमाटर का, ठीक है, इसमें ये सारा डालना है मैंने। ओके, ये इसमें टमाटर भी डल गया और मसाला भी डल गया। अच्छा, मसाले में आपने क्या क्या इसमें डाला? मसाले ये मैंने डाला है इसमें मिर्चें डाली हैं, सबन धनिया, उसका सूखा धनिया मैंने डाला है। अच्छा, धनिया मिर्च डाली है, नमक। अच्छा हाँ, बस इस तक हुए डालनी है बस। पानी डालेंगे कि इसकी बुनाई अच्छी हो जाए, क्योंकि खाना जब अच्छा बनता है ना, जायका वाले बनता है ना, तो इसमें सारा डिपेंड करता है मसाले पे। मसाला आपका अच्छा बनेगा तो खाना एग्जैक्टली आप डेफिनेटली उसके बुनना सही है, वो सारा जो दम लगना है इसको, यानी मसाला भुना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वरना वो फिर भूख नहीं अच्छा लगता ना, फिर वो पता चलता है कि बनाने वाले को कुकिंग आती ही नहीं है। अब इसकी ये है कि बुनाई हो रही है, ठीक है, टमाटर की, तो तब तक जब तक बुनाई होती है इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, ग्रीन मिर्च, क्योंकि मैंने अभी इसलिए मैंने क्योंकि ना धड़ा मिर्च मैंने बहुत कम डाली थी, ताकि अगर कभी वो कम भी हो तो इसमें वो मतलब ये फ्राई इसमें हो जाएगी। हाँ, और ये साबुत मिर्च भी डालते हैं? हाँ, अच्छी लगती है ये खाने में। हे, नहीं खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ये तो बना भी नहीं है सर। खुशबू तो ठीक लग रही है, लेकिन ये एक बिल्कुल नई रेसिपी है और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। व्यूअर्स देखते हैं कि कायनात क्या बनाती हैं। आप कितना इसको तकरीबन 4 से 5 दिन में ये भून जाएगा, उसके बाद फिर पेस्ट डालूंगी धनिया, ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, ये तो चलो इसे हमारा खाना हो रहा है, मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या करेंगे? अभी तो बस फिल्म का एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, इसके अलावा एक दो ड्रामे के हैं चांसेस करने के, क्योंकि अभी तक आपको पता है जितना मिल रहा है फिल्म का ही मिल रहा है, और आपसे टाइम से कहा भी था कि तुम्हें मिलेंगी फिर, और आपने ऐसा कहा कि मुझे ड्रामे में नहीं मिल रही है। नहीं, तुम्हें होल सेल स्टार तो हमेशा से जो तुम्हारा पेस है वो मुझे हमेशा से ही लगा, मुझे लगा ये माय ओपिनियन, बट आहिस्ता आहिस्ता वो प्रूव होता जा रहा है। तो ड्रामे का फेस नहीं है मेरा, मतलब मैं ड्रामा में काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने किस से कह दिया कि तुम ड्रामा में काम नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन एक होता है ना इंसान जो ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है, वो कुछ फेसेस ऐसे हैं जो बड़ी स्क्रीन के होते हैं। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, अब इससे मेरे से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे। कहते हैं कि स्टार जिससे इंसान लेता है ना, उसको मोस्टली वो उसी सर्कल का ही काम मिलता है। हाँ, मैंने फिल्म का स्टार्ट किया तो मुझे फिल्म का ही मिल रहा है अभी। मेरी बल्कि बात होती थी उनसे, क्या नाम है वो ठाकुर उनका, ठाकुर, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने ड्रामे का वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक फिल्म है USA की ना,
तो अब उन्होंने जो फिल्म की बात की, इवन थी मैंने बात की थी शौक या कोई ड्रामा सीरियल वगैरह हो होते हैं इस तरह से, लेकिन मुझे चीज़ें हाँ मुझे हमेशा से यही था कि तुम फिल्म में काम करो, क्योंकि देखो फिल्म एक बोल्ड मीडियम, और मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल और आसान तो हर चीज़ है, काम तो कोई भी जो है वो आसान नहीं, आसान इवन कुकिंग ले लो कि ये भी एक आर्ट है, ठीक है। अब लोग जो हर आदमी जो है तुमने देखा होगा लाहौर जा तुम गई भी थी आने का डर है क्या, तुम्हें लाहौर में नहीं मिलेगा, क्या खाया से? चलो ये बताओ लाहौर में क्या खाया। जब मैं पिछली दफ़ा गई थी जब वो ड्रामा था जुदाई ड्रामा, उस ड्रामे के लिए उस ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, जब मैं गई थी उस टाइम मैंने पाए वगैरह मैंने वो बहुत ऑयली चीज़ें खाई, लेकिन मैं मोटी हो गई थी ना अपने, तो मैंने डाइट किया आप मैं तो हाथी बन गया, नहीं आपने तो मुझे कहा था कि तुम मोटी होकर आई हो, तो अभी फिर ये कि जब 20 डेज के लिए जब मैं गई थी लाहौर तो मैंने मोस्टली मैंने सैलड्स वगैरह मैंने यूज़ की खाने में, रेशन सैलड हो गई, पिंक हो गया, जूस हो गया, इस तरह की मैंने डाइट यूज़ की, मैंने निहारी और पाए कि मैं तो बिल्कुल भी क्रीम भी नहीं गई। सर्दी है क्योंकि अब यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है और दुनिया में तकरीबन हर जगह सर्दी शुरू हो गई, तो अब सर्दी की डिशेस कुछ ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा सा फैट करती हैं, निहारी पाए गर्म होते हैं ना, देखो जहाँ कोलेस्ट्रॉल आता है या इस तरह की चीज़, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए उन लोगों को, यूज़ लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर या इस तरह की शिकायत है, तो पायों से निहारी से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ लोग ना खाना नहीं बंद करते, अगर खाने की अगर आप इसके आओ ना महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, अभी भी आप जाएंगे ना KFC मैकडोनल्ड चले गए पिज्जा चले गए, लोग होते हैं लोग खाना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कायनात देखो तुम ही लोगों की जनरेशन जो है, हमारा और तुम्हारी जनरेशन का थोड़ा सा एक फ़र्क है, हम ऊपर नीचे ठीक है, हम मेरे कहने का मतलब है कि ये जो डिश है जो तुम इस वक्त बना रही हो बच्चों को अच्छी नहीं कहेगी, बच्चों को जरूर खानी चाहिए, ठीक है। बच्चे आजकल ये जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बहुत सारे, और जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज है उनको भूल गए, वो हमारे घरों में नानियाँ दादियाँ ये बनाती थी, ठीक है, और होता ये था कि हमें इस तरह की नरिशमेंट मिलती थी कि आपको सेहतमंद खाना जिसे आप कहते हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ सही है ना, अभी और कुछ सोचते हैं बनाने के लिए, कहते हैं आती है यहाँ पे बनाएंगे, ऑर्डर कर लेते हैं बाहर जाके खा लेते हैं, सब्जी नहीं खाते बच्चे, नहीं खाते, ठीक है, ज़्यादातर बर्गर ज़्यादातर और इस किस्म की चीज़ें, देखो मीट ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन जो चीज़ें सब्ज़ी में हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है। अच्छा ये हम कहाँ तक पहुँच जरा बुनाई होने में थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा, इसकी जैसे ही बुनाई हो गई बस इतना तैयार, अब ये पेस्ट बन गई है, एग्जैक्ट वो सादा बन गया है, अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट में हमने ऑयल कम डाला था, ठीक है। अच्छा अभी इसमें जो है चिकन वो होना है, अभी गोल्डन फ्राई हो रहा है, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसमें 1.5 कप डलेगा, तकरीबन 1.5 कप ऑयल, चिकन ये चिकन के छोटे छोटे मैंने पीस किए थे, बोनलेस चिकन है, ठीक है, इसमें बोनलेस चिकन ही डलता है, तो फिर हम इसको करेंगे इस तरह से, इसकी अब बुनाई होगी जब ये आटा कच्चा पक्का हो जाएगा ना चिकन, इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे हरे धनिया का पेस्ट। अच्छा ये हमने बोनलेस चिकन जो है तुमने इसमें 1/2 कप तेल और डाला, हाँ, और उसके बाद उस मसाले में हमने ये चिकन बिल्कुल डाल, अब इसकी बुनाई होनी है ना, ये गलेगा, पानी कितना डालना है, तकरीबन 1/2 कप, आधे कप से थोड़ा सा कम डालना है, बाकी ये आराम से गल जाए, राइट, क्योंकि उनकी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसमें पानी कम डालना है ताकि इसी पानी में ये भुन जाए, और बैरात इसको कितनी देर पकाना है, ये तो फिर डिपेंड करता है ना, आपको पता है कि ये चिकन गलने में ज़रा थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है, अच्छा तो 10-15 मिनट कर लें, और मिर्च कितना डालना था, बस थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये चिकन खुश्क हो जाए इसमें और गल भी जाए,
तो बस 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा पकने में। जब ये पक जाएगा तो उससे बात की जो मैंने पेस्ट अभी बनाना है इसका पेस्ट बनाना है खाना देने का, फिर वो उसमें मैं काम करूँगी। तो फाइनली चिकन हमारी गल गई है, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखिए वो जो मैंने पानी जो डाला था अब इसमें पानी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसमें डालेंगे धनिया, जो धनिया हम लोगों ने कटिंग की थी। वैसे तो इसका पेस्ट बना लिया जाता है लेकिन अच्छा है इस तरह से डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट और रहेगा इसलिए, क्योंकि जब इसको ग्राइंड करना पड़ता है ना तो उसमें पानी डालना पड़ता है। हाँ धनिया बिल्कुल। और ये धनिया इसी तरह खड़ा खड़ा रहेगा या ये गल जाएगा? ये गल जाएगा सारा। अब देख लेना, देखा अभी इसके अभी कितना ऊपर था अभी ये धनिया, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और खुशबू बहुत अच्छी है और कलर बहुत अच्छा है इसका। और मिर्च का भी इतना इस्तेमाल नहीं किया इसमें। आप चाहें तो अपने लिए मिर्च डाल सकते हैं, कई लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और हसबे ज़ायका नमक भी डाल सकते हैं, मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा ये सारा डलेगा? ये सारा डलेगा। ये कितनी क्वांटिटी थी? ये 3 गड़ियाँ थी ना जुनिए। अच्छा ये 3 गड़ियाँ। और इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं? ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं लेकिन अभी ज़्यादा टाइम टू शॉर्ट, क्योंकि मैंने आपको पता है मैंने जाना भी है नेक्स्ट शोज पे, तो बस इसकी वजह से ज़्यादा मैंने नहीं, मैं बहुत नहीं दिखा रहा दोबारा के मिले हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं, बस आपने मुझे बुलाया तो मैंने कहा चले, काफ़ी टाइम से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी ना। मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारी ये मेरी साइड हम अपने व्यूअर्स को दिखाएँ, एक आज एक अच्छी कुक थी हैं क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें हमें बना के खिलाई थी। तो जब हमने शो शुरू किया तो हमने कहा कि कायन आज से ज़रूर कुछ ना कुछ बनवाएंगे। अभी ये है कि इसको ज़रा सही तरह से ना इसको मिक्स करना है, क्योंकि सब कुछ मिक्स भी होगा। खैर आज आपने हमारे टकेटक किचन में आते रहना और मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे प्रोग्राम्स आप तो होस्ट भी करें। ठीक है ठीक है। अभी नेक्स्ट भी है कोई गेस्ट है? जी जी गेस्ट हमारे बहुत सारे लाइन अप हुए हैं और हम ज़रूर व्यूअर्स से मुलाकात उनकी कराएंगे और अच्छे मज़े मज़े के खाने भी हम उनसे बनवाएंगे। तो अब हम इसको किसका टाइम और देंगे? अभी बस अब इसकी बुनाई ही हो रही है। अच्छा हाँ, जब तक ये धनिया नहीं गलेगा ना तब तक ये तैयार नहीं होगा, इसका पेस्ट इसमें बन जाएगा। बड़ी अच्छी सी ग्रीन और ब्राउन लुक आ रही है इसमें। ये मेरी मम्मा की अच्छी थी शी right. कुछ देख के तो फिर मैंने कहा सिर्फ उसमें पे ट्राई करती हूँ। नहीं साउंड ये गुड एंड टेस्ट इज वेरी गुड। और धनिया तो आपको पता है वैसे भी मैदे के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा है अगर आप वैसे धनिया इस्तेमाल करें। और ये ऐसी रेसिपी है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसी रेसिपी है कि इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना आपको पता है हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं दाद भी हो जाए उसमें भी कहते हैं चटनी सलाद होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, और चिकन कढ़ाई के साथ तो वैसे ही सैलड और ये चटनी तो मस्त होती है, तो इसलिए तो साथ सैलड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन चटनी इसके साथ भी अच्छी लगती है। जी सर हो गया तैयार बस? अच्छा मैं देख सकते ही नहीं था यार, ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ बनी है। कैसा लग रहा है? बहुत कलर बहुत अच्छा है और वो हो गया थी है। बहुत अच्छी है। अच्छा इसमें तुमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली? जो घर में मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं में ये बन जाता है, उन्हीं में बन, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाली? हाँ आसान रेसिपी ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं घर में कभी भी कोई चिकन वगैरह बनाते हैं बार बार वही रिपीट पे बनती है, चिकन कढ़ाई या चिकन कौरमा हो गया, तो उसमें ये है थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। इसमें आप हरा धनिया ऐड कर लें तो उसमें ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। योर जी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार किस्म की डिश है, जैसे मैंने टेस्ट किया है अभी तो ये देख लिया ना इसका कैसा पेस्ट बना है, ये
जो मैंने पानी ऐड किया था और जो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था वो कैसे उसमें ही हो? हमारे कहने का मतलब है कि ये खड़ा खड़ा भी हो सकता है और ये ग्राइंड हो भी हो सकता है खड़ा खड़ा। हाँ वैसे ग्राइंड अगर हो जाए ना तो फिर वो जरा बहुत अच्छा हो जाता है, वो पेस्ट एक बन जाता है ना। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप ये खाएंगे तो तब ही फिर आप व्यूअर्स को भी फीडबैक दे सकते हैं कि ये बनाना है। नहीं मैंने टेस्ट किया, मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। थैंक यू। बस आपने अपने हिसाब से मिर्च डालनी है, नमक अपने हिसाब से डालना है और बाकी रेगुलर मसाले हैं जो घर में होते हैं। Exactly. और वाकई कायनात की ये बात बड़ी अथेंटिक है कि हम वही चिकन कढ़ाई खाते हैं उसी तरह हम चिकन बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी एक डिश है कि जो गर्मियों और सर्दियों दोनों में आप खा सकते। और इसको कुछ गार्निश करने भी जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई डालने की भी नहीं, इसमें कोई सैलेड अगर आप दिल करता है तो आप सैलेड तो यूज कर सकते हैं, वैसे इसमें जरूरत नहीं है। नहीं व्यूअर्स ये हमारा ग्रीन चिकन तैयार हो गया। कैसा लग रहा है वैसे देखने में? बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप भी ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, सब चीज़ें घर की हैं। मैंने आपके सामने पूरी वीडियो में एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि कैसे क्रिस्पी रिलीज करनी है, क्योंकि आधा किलो चिकन के हिसाब से ही मैंने सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें क्योंकि इंसान बोर हो जाता है ना बार बार एक ही डिश को करते हुए, जैसे लाइक बिरयानी हो गई, चिकन कढ़ाई, बार बार एक एक चीज़ से रिपीट करके इंसान तंग आ जाता है। तो आप जरूर ये फिर डिश ट्राई कीजिए। अदरक एक चाय का चम्मच, लहसुन दो फाड़ियाँ, लाल मिर्च हसबे ज़रूरत, हल्दी हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़रूरत, हरा धनिया आधा किलो, ऑयल हसबे ज़रूरत, चिकन आधा किलो, प्याज आधा पाव, टमाटर पाव। हम अब आपकी फीडबैक के लिए हमेशा हम उसके मुंतज़र रहते हैं और इस आगे चल के हम और भी इसी तरह की वो डिशेस जो आप घर में रेगुलरली बना सकते हैं और बजाय के बाहर से आदमी खाना खाए और बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करे, घर में वो डिशेस जो ऑब्सोलीट हो गई हुई हैं उनको दोबारा बना के और अपने बच्चों को आप ज़रूर खिला सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस किस्म की डिशेज़ जो है वो खाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।